हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये लाइन वाली कॉपी जो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो किस तरह से डिजाइन करते हैं वो आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा प्रोसेस। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से न्यू पेज लेना है, ब्लैंक पेज जो होता है, और ब्लैंक पेज लेने के बाद आपको यहाँ पर आना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद मार्जिन्स, और मार्जिन्स में आने के बाद यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स, और यहाँ पर आपको जो है ये टॉप को 0 एंड लेफ्ट 0, बॉटम एंड राइट एंड ओके। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद टेबल, टेबल पर आने के बाद आपको कितना टेबल चाहिए इंसर्ट टेबल में जाकर ले सकते हो इसे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 30 के आसपास ले लेता हूँ मैं, मैंने 30 ले लिया। रो और कॉलम मैंने 1 कर दिया, और 1 करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद कुछ हमारे पास जो इस तरह से देखिए बन के आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके और थोड़ा नीचे के इसको खींच के ले आएंगे, इतना हमने स्पेस छोड़ लिया नीचे और ऊपर, सॉरी, और नीचे जो है अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, और ये बहुत लाइन जो है बहुत नज़दीक नज़दीक हो गया। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये लेआउट में जाना है। लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना है, देखते हैं अभी थोड़ा सा और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, 7 और 8। हाँ, 8 के आसपास रखोगे तो बिल्कुल करेक्ट देख रहे हैं आप। इस तरह से जूम आउट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसे लाइन वाली होती है कॉपी, बिल्कुल सेम वैसे ही दिखाई देगा आपको। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक यहाँ पर लाइनिंग होती है, उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद एक लाइन होगा, लाइन पे ले लेंगे, और इस लाइन को क्या करेंगे, इस पे शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करते हैं हम लाइन तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगा, तो हमें सीधी लाइन ही चाहिए वैसे। तो हम इस लाइन पर क्लिक करके अब और इस तरह से हम इसको फिट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ शेप पे आउटलाइन में जाके और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। मोटा करने के बाद आउटलाइन का कलर भी आप रेड कर दोगे तो बेटर लगेगा दिखने में, और इसका डुप्लीकेट करते हैं Ctrl+D। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ से इसको इस तरह से कुछ फिट कर लेना है। एक लाइन और मुझे खींचना है यहाँ से, ये भी शिफ्ट के साथ ही खींचेंगे हम, और इसे नीचे जा करके और इसे बड़ा भी कर लेते हैं हम शिफ्ट से। ये पूरा हो गया, नीचे तक चला गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर भी हम खींच लेते हैं। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा आपको जो है यहाँ से पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको लाइन को मोटा कर लेना है, और मोटा करने के बाद इसको कलर भी कर लेना रेड, और Ctrl+D से डुप्लीकेट करके आपको इस तरह से फिट कर देंगे। तो हमारा इसको जूम आउट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से वीडियो दिखेगा, वीडियो कह रहे सॉरी पेज हमारा दिखेगा कुछ इस तरह से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कि कॉपी आप परचेज करके लाते हैं ऐसे ही आपको ये दिख रहा है। ये थोड़ा सा लाइनिंग नीचे रह गया, इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, अब ये ऊपर हो गया। तो ज़रूर बताइए कॉमेंट में मेरा वीडियो कैसा लगा।